हेलो एंड वेलकम बॉयज एंड गर्ल्स, आप देख रहे हैं द मोबाइल एंड गैजेट शो अभिषेक और दिनेश के साथ। और दिनेश, आज के एपिसोड में मतलब हम लोगों ने मोबाइल फोन स्मार्टफोन ठूस ठूस के भरे हैं। इतने स्मार्टफोन का रिव्यू आपको आज मोबाइल एंड गैजेट शो में देखने को मिलेगा कि आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा मोबाइल फोन खरीदा जाए और कौन सा मोबाइल फोन को इग्नोर किया जाए। आप कह तो सही रहे हैं, लेकिन आज आपको हुआ क्या है? आई मीन इतने सादे कपड़े पहन के एक टेक शो करने आए लग रहा है ना। एक्चुअली सादे कपड़े नहीं है, ये फैशन है नए गीक्स का। जी हाँ, आप दुनिया में देखो यार, जितने बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, ये सूट बूट तो मोम आया है, जितनी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, फिर चाहे मार्क जुकरबर्ग हो, टिम कुक हो, वो इसी तरीके की राउंड टी शर्ट फुल स्लीव्स वाली पहनकर, मतलब इसे कहा ना सादा जीवन उच्च विचार। आप बिना वीजा के जो टेक्नोलॉजी वर्ल्ड की जो सैर करने जा रहे हैं ना, प्लीज वापस आ जाइए, आपको रियलिटी चेक दे देता हूँ। ग्लैमर होना बहुत जरूरी है, टेक्नोलॉजी में भी ग्लैमर होना बहुत इसके बारे में व्यूअर्स से ही पूछ लेते हैं। आप खुद बताइए कि मेरी ये जो थंब होल टी है, जो आजकल लेटेस्ट फैशन चल रहा है गीक कम्युनिटी में, फैशन की बात आई, वो ज्यादा अच्छी लग रही है या महाराज जी का सूट बूट, आप बताइए। आई मीन ये तो बाद में बताएंगे। इनफैक्ट मुझे लगता है HTC ने इसका जवाब दे दिया है अपना नया फोन लाके, HTC U11 अनोखे फीचर्स, ग्लैमर एलिमेंट बहुत ज्यादा है इसमें। तो आइए देखते हैं, इसका रिव्यू करते हैं और बताते हैं कि क्या है इसमें खास। U11 HTC एक वो कंपनी जिसका हर एक स्मार्टफोन कुछ समय पहले तक एक बहुत बड़ा हिट हुआ करता था, लेकिन अब वही कंपनी अपनी मार्केट में जगह बनाने के लिए स्ट्रगल कर रही है। हालांकि कुछ समय पहले HTC ने U Ultra और U Play को लॉन्च किया अपनी इमेज को रिवाइव करने के लिए, लेकिन वो भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए। लेकिन अब HTC लेके आया अपना नया लेटेस्ट फ्लैगशिप डिवाइस HTC U11। तो चलिए आइए नज़र डालते हैं इस स्मार्टफोन पर और देखते हैं क्या ये HTC की मार्केट और इमेज को रिवाइव कर पाएगा। शुरुआत इसके डिजाइन से, तो इस बार HTC ने अपने नए स्मार्टफोन के डिजाइन को नई दिशा दी है। और इनफैक्ट इस बार HTC का डिजाइन इस फोन की USP है। Samsung Galaxy S8 की तरह ये फोन भी काफी गॉर्जियस लुकिंग स्मार्टफोन है, लेकिन ये इसमें आपको ज्यादा स्मूथनेस और ज्यादा राउंड शेप देखने को मिलती है, जिसे HTC कहता है लिक्विड सर्फेस डिजाइन। लिक्विड ग्लास सरफेस डिजाइन शायद इसलिए भी कहा गया है क्योंकि ये रिफ्लेक्शन को लिक्विड की तरह डिस्टॉर्ट करने में मदद करता है, स्पेशली इसके यूथफुल रिफ्रेशिंग कलर्स वाकई काफी फंकी लगते हैं। लेकिन HTC के इस नए फोन में जो हमें कमी लगी वो था इसमें मिसिंग हेडफोन जैक, जिसका मतलब इस फोन में भी आईफोन की तरह हेडफोन जैक नहीं देकर सिर्फ टाइप सी पोर्ट दिया गया है। लेकिन अगर इसकी स्क्रीन की बात करें तो U11 आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। इसमें दी गई है 5.5 इंच क्वाड HD सुपर LCD डिस्प्ले विद 1440x2560 पिक्सल रेजोल्यूशन। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि Samsung Galaxy S8 अभी भी स्क्रीन के मामले में नंबर वन स्पॉट पर बना हुआ है विद डीपर ब्लैक्स एंड मच हायर रेजोल्यूशन। लेकिन आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसके स्क्रीन की सेटिंग्स ट्वीक कर सकते हैं। हालांकि इसकी 5.5 इंच स्क्रीन साइज इसी के लिए भी एक अच्छा साइज माना जाता है, लेकिन अगर आप मूवीज और गेम्स के शौकीन हैं, तो शायद आपको इसका स्क्रीन साइज थोड़ा कम लगेगा। HTC U11 की स्पेसिफिकेशंस पर नजर डालें तो इस फोन में दिया गया है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन A35 प्रोसेसर, और ये आता है दो वेरियंट्स यानी 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज और 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, जिसे आप माइक्रोएसडी कार्ड के साथ एक्सपैंड भी कर सकते हैं, और ये रन करता है एंड्रॉइड 7.0 न्यूगेट पर। साथ ही ये फोन IP67 सर्टिफाइड भी है, जिसका मतलब ये वाटर और डस्ट रेसिस्टेंट भी है। ओवरऑल HTC UPlay काफी स्मूथली काम करता है, भले ही आप डे टू डे ऐप्स खोल रहे हो या फिर इस पर गेम्स खेल रहे हो, ये फोन आपको ज्यादा परेशान नहीं करता, और बेंचमार्क परफॉर्मेंस में भी इस फोन ने पॉइंट जरूर कमाए। कैमरा की बात करें तो HTC ने इस बार दिया है 12 मेगापिक्सल प्राइमरी और 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, जिस पर डे लाइट में ली गई पिक्चर्स में आपको काफी अच्छी डिटेलिंग मिलती है, लेकिन लो लाइट में इसकी क्वालिटी थोड़ी पुअर हो जाती है।
तो वहीं इसकी बैटरी पर नजर डालें तो U11 में दी है 3000 mAh बैटरी एंड सपोर्ट्स क्विक चार्ज 3.0, जो हमारे हिसाब से और बेहतर हो सकती थी कंसिडरिंग द प्राइस ऑफ द फोन। तो अभिषेक, कितना कन्विंस हुए हो इस ग्लैमर स्मार्टफोन के साथ? देखो, जैसे मैंने पहले बोला कि मेरा तो सादा जीवन उच्च विचार, तो वो हिसाब किताब है। फ़ोन काफ़ी अच्छा है दिखने में, नो डाउट। बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है और वो स्क्वीज़ वाला जो फीचर एक नया इंट्रोड्यूस किया है कि आप फ़ोन को हल्का सा दबाया तो आप सेल्फी कैमरा ऑन हो जाएगा, आप अलग अलग तरीके से उस स्क्वीज़ को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, वो एक इनोवेटिव पहल है जिसमें HTC उस चीज़ में माहिर है। फिर चाहे उनका वो सेंस UI के इसमें ढेर सारे विजेट्स देकर और वो सब करते थे, तो HTC इस तरीके की यूनिक इनोवेशन नहीं बोलेंगे इसको, यूनिक इस तरीके के नए नए एक नया फीचर आया है, नए फीचर एक्चुअली यूनिक एक्सपेरिमेंट्स HTC करने में बहुत ज़्यादा माहिर है और कई बार वो अच्छी चीज़ें कर लेता है। तो स्क्वीज़ वाला चीज़ है, ये हो सकता है कई लोगों को पसंद आए, बट ओवरऑल अगर देखा जाए जो प्राइसिंग है ना, मुझे वो नहीं जम रही है। देखो, मैं मेरे हिसाब से HTC, देखो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले कुछ समय से HTC थोड़ा सर्वाइव करने में थोड़ी सी उसको दिक्कत आ रही है, लेकिन अगर हम HTC U11 की बात करें तो कलर वाइज कलर बहुत रिफ्रेशिंग कलर्स लेके आए हैं और थोड़ा नया लेके आए हैं। अदरवाइज अभी तक क्या होता था कि सारे स्मार्टफोन्स मेटल यूनिबॉडी डिज़ाइन लेके आ रहे हैं, उसमें कुछ नया इनोवेशन देखने को नहीं मिल रहा था। तो HTC ने इतने प्रेशराइज होने के बावजूद कुछ नया लाने की कोशिश करी है, जो कि एक काबिल तारीफ चीज़ है। लेकिन जो बात आती है वो है 50,000 से ऊपर का ये फ़ोन है, 51,999 रुपीज़ का फ़ोन है। दैट मीन्स कि एक प्रीमियम सेगमेंट में चला जाता है, जिसका मतलब कि ये सैमसंग S8 iPhone 7 के साथ कम्पीट करता है। तो वहाँ पे क्या ये कम्पीट कर पाएगा, वहाँ पे मुझे थोड़ा लगता है कि ये थोड़ा पीछे रह जाएगा। वही चीज़ है, यहाँ पर एक अच्छा फ़ोन बनाया है, बस प्राइसिंग थोड़ी सी गलत कर दिया इन्होंने। और मेरे हिसाब से बताया ये सोनी की राह पे चल रहा है। जैसे सोनी हमेशा फ़ोन अच्छे बनाता था, बट जो प्राइसिंग थी वो इतनी ज़्यादा हाई रखता था कि आधे से ज़्यादा कंज्यूमर उस फ़ोन को मतलब खरीदने के बारे में सोचते भी नहीं थे। तो यहाँ पर दरअसल प्राइसिंग में अगर HTC U11 की थोड़ा सा करेक्शन हो जाए तो मेरे हिसाब से HTC U11 अच्छा स्मार्टफोन है, अगर कोई सैमसंग या आईफोन खरीदना ना चाहे, एक अच्छा एक रिप्लेसमेंट फोन हो सकता है। और अभिषेक, मुझे कहीं ना कहीं ये इंट्यूशन हो रही है कि एक दो महीने के बाद ही HTC इसके दाम गिरा देगा और तब ये एक बेस्ट बाय डील हो जाएगी मेरे हिसाब से। गिरा दे तो ही बेहतर है। वेल, ऑन दैट नोट लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे पास हैं आपके लिए बहुत सारे स्मार्टफोन्स। महंगे स्मार्टफोन की तो बात कर ली, ब्रेक के बाद दिखाएंगे सस्ते स्मार्टफोन्स में आपके पास क्या क्या हैं चॉइसेस और कौन सा स्मार्टफोन आपको खरीदना चाहिए। कम राइट बैक। पहला अवाया हैकाथॉन चैलेंज, एकजुट हुए देश भर के कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स, स्टूडेंट्स एज वेल एज प्रोफेशनल्स टेक दैट ओपन प्लेटफॉर्म। 1600 रजिस्ट्रेशंस, 482 टीम्स, कौन बना हैकाथॉन चैलेंज का विजेता, देखिए सिर्फ जी बिजनेस पर। तुम्हारे प्लांट में फर्क दिखता है, क्या किया? कुछ नहीं, मैंने तो बस हेल्दी पानी दिया। एक्वागार्ड, सिर्फ इसमें है एडवांस बायोट्रॉन टेक्नोलॉजी जो मॉलिक्यूल्स को डीक्लस्टर करे और जरूरी कुदरती मिनरल्स को अनलॉक करे। एक्वागार्ड हो तो फर्क दिखता है। पानी का डॉक्टर एक्वागार्ड।
आधी रात थी जब गुलामी की जंजीरों से आजाद हुआ था हिंदुस्तान। 70 साल बाद आधी रात को ही मिलेगी टैक्स के मकर जाल से आजादी। सबसे बड़े चेहरे, नॉन स्टॉप कवरेज, आधी रात को जश्न जीएसटी, सिर्फ जी बिजनेस पर। नया अंदाज, नई खबर, मंडी लाइफ का नया तेवर, फायदे की हर खबर पर नजर, एक्सपर्ट्स के साथ मुनाफे की बात, कमोडिटीज पर ग्राउंड जीरो रिपोर्ट, मंडी लाइव कॉलर शो, आपकी खबर आपका फायदा, मंडे टू फ्राइडे 5:26 PM। वडोदरा में क्यों बढ़ेगी रियल एस्टेट सेक्टर की मांग? सस्ते रेट्स में क्या है विकल्प मौजूद? हर साल कितने होंगे नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च? और कमर्शियल प्रॉपर्टी बेचने से पहले जानिए एक्सपर्ट्स का नजरिया। देखिए इस हफ्ते प्रॉपर्टी प्लस में शनिवार दोपहर 12:30 बजे, रविवार सुबह 7:30 बजे और शाम 4:30 बजे सिर्फ जी बिजनेस पर। बिजनेस के उतार चढ़ाव में जब बात हो आपके प्रॉफिट और होने वाले लॉस की, तब हम मैनेज करते हैं आपका रिस्क ताकि बरकरार रहे आपका फायदा। जी बिजनेस, आपका फायदा। When you will live in the present at this moment, you will be fully focused and you will be successful. If you want to achieve something, try for it, because defeat is only when you accept the defeat. Don't let your success turn into greed. The moment you get into greed, then you will not be able to get it. वो एक आदमी आया था 30 साल पहले, उसने बात तो अच्छी की, उसकी वजह से मुझे ये करने को मिला। That means I will be still alive at that time when you will be talking about it. आप देख रहे हैं द मोबाइल एंड गैजेट शो अभिषेक और दिनेश के साथ। अभी इससे पहले हमने आपको दिखाया था प्रीमियम सेगमेंट में एक नई एंट्री, लेकिन उनका क्या जो बजट सेगमेंट में नई ऑप्शंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जैक्टली, बिकॉज बजट सेगमेंट, एक सर्वे ये कहता है कि जो नेक्स्ट बिलियन यूजर्स हैं वो दरअसल प्रीमियम स्मार्टफोन मार्केट में नहीं है। वो जो नेक्स्ट बिलियन यूजर्स हैं वो दरअसल आपके 10,000, 5,000, 7,000 वाले स्मार्टफोन ही खरीदने वाले हैं। तो मोबाइल फोन में या स्मार्टफोन मार्केट में जो अगली ग्रोथ है दिनेश, वो दरअसल ये सेगमेंट से आएगी जो सस्ते स्मार्टफोन्स। और स्पेशली हम बात कर रहे हैं इंडियन मार्केट की, जहाँ पे टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में ज्यादा क्रेज है स्मार्टफोन लेने का, लेकिन अफोर्डेबल प्राइस पे। तो उनके लिए हम कुछ स्पेशल स्मार्टफोन्स लेके आए हैं। आइए नजर डालते हैं इन स्मार्टफोन्स पर और देखते हैं क्या उनमें से कोई एक फोन आपकी नेक्स्ट चॉइस हो सकती है। भले ही प्रीमियम स्मार्टफोन मार्केट में नए से नए स्मार्टफोन्स एंट्री मार रहे हों, लेकिन जब बात इंडियन मार्केट की आती है तो सबसे ज्यादा डिमांड देखने को मिलती है बजट सेगमेंट में। और इसी को देखते हुए हम लाए हैं कुछ ऐसे बजट स्मार्टफोन्स जो इस सेगमेंट में अपना नाम बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूरेका ब्लैक की। माइक्रोमैक्स की कंपनी यू टेलीवेंचर्स ने भी नया स्मार्टफोन यू यूरेका ब्लैक भारत में उतारा है। ये कंपनी के पहले स्मार्टफोन यू यूरेका का नेक्स्ट वर्जन है। इसकी कीमत है 8,999 रुपए। यू यूरेका ब्लैक डुअल सिम स्मार्टफोन है जो एंड्रॉइड 6.0 मार्शमेलो पर रन करता है। इसमें 5 इंच का IPS डिस्प्ले दिया गया है जिसका रेजोल्यूशन है 1080x1920 पिक्सल्स।
इसमें ऑक्टा कोर 1.4 गीगाहर्ट्ज क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 430 प्रोसेसर के साथ 4GB रैम दी गई है। इंटरनल मेमोरी 32GB है, जिसे आप माइक्रो एसडी कार्ड के साथ 128GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं। यू यूरेका ब्लैक में दिया गया है 13 MP रियर और 8 MP फ्रंट कैमरा और स्मार्टफोन को पावर करती है 3000mAh बैटरी। नए यू यूरेका ब्लैक स्मार्टफोन की सीधी टक्कर शाओमी रेडमी 4 और कूल पैड नोट 3 लाइट जैसे स्मार्टफोन से है। काफी समय से चाइनीज कंपनी मीजू भी इंडियन मार्केट में पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है और इसी कोशिश को आगे बढ़ाते हुए मीजू लेके आया है M5। M सीरीज वाले मीजू M5 के 32GB वेरिएंट की कीमत है 9,499 रुपए। मीजू M5 फोन के स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें 5.2 इंच की HD स्क्रीन दी गई है। इसमें मीडियाटेक का MT6750 ऑक्टाकोर प्रोसेसर के साथ Mali-T860 GPU का इस्तेमाल किया गया है। इसमें 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है। कैमरा सेटअप की बात करें तो इस फोन में 13 MP का रियर और 5 MP सेल्फी कैमरा दिया गया है। फोन को पावर देने के लिए 3070mAh बैटरी दी गई है, लेकिन इस कीमत में ये फोन हमारे हिसाब से काफी ऑर्डिनरी लुकिंग फोन है, क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट में आपको इससे बढ़िया फीचर्स वाले फोन आसानी से मिल जाते हैं। इंटेक्स ने एलीट सीरीज में नया स्मार्टफोन एलीट E7 उतारा है। बजट सेगमेंट के इस फोन की कीमत 7,999 रुपए रखी गई है। फर्स्ट लुक में फोन काफी प्रीमियम दिखता है। बात इसके फीचर्स की करें तो फोन में 5.2 इंच HD IPS डिस्प्ले दिया गया है। फोन में MT6737 क्वाड कोर प्रोसेसर, 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है, जिसे आप माइक्रो एसडी कार्ड के साथ 128GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं। कैमरे की बात करें तो एलीट E7 में 13 MP रियर कैमरा का इस्तेमाल किया गया है। वहीं सेल्फी और वीडियो चैट के लिए 5 MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन के रियर पर फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। फोन 4G वोल्टेज सपोर्ट करता है और डुअल सिम सपोर्ट के साथ आता है। दिनेश, ये जो हफ्ता रहा ये दरअसल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा टेक्नोलॉजी की दुनिया में, क्योंकि इस हफ्ते लॉन्च हुआ एक ऐसा फोन जो आईफोन, सैमसंग गैलेक्सी जैसे फोन्स को कड़ी टक्कर दे सकता है उनसे आधी कीमत पे, और साथ में उतने ही लेवल का बस भी क्रिएट कर सकता है। हमें अच्छी तरह याद है, इतने सारे व्यूअर्स हमारे हमसे पिछले 4-5 महीनों से पूछ रहे हैं इस स्मार्टफोन के बारे में, लेकिन हम आपका ये एक्साइटमेंट कम नहीं करेंगे। सरप्राइज आपके लिए बचा है। आइए नजर डालते हैं टेक बस सेक्शन पे और देखते हैं क्या क्या लॉन्च हुआ है इस हफ्ते। मशहूर चाइनीज कंपनी वन प्लस ने वन प्लस 5 से पर्दा उठा दिया है। मुंबई में हुए इवेंट में कंपनी ने वन प्लस 5 को लॉन्च किया। वन प्लस 5 के दाम 32,999 और 37,999 रुपए होंगे। इस दमदार फोन की खासियत ये है कि अपने से दोगुनी कीमत वाले स्मार्टफोन को भी ये कड़ी टक्कर दे सकता है। फीचर्स के मामले में वन प्लस 5 में एक से एक बढ़कर हार्डवेयर फीचर दिए हुए हैं। पर वन प्लस के मुताबिक स्मार्टफोन की सबसे बड़ी ताकत इसकी बैटरी लाइफ है। इसमें 3300mAh की बैटरी दी गई है, जो डैश चार्जिंग की मदद से फटाफट चार्ज होती है। तेज तरार प्रोसेसिंग के लिए इसमें 8GB रैम के साथ साथ स्नैपड्रैगन 835 ऑक्टाकोर प्रोसेसर दिया गया है। ऑपरेशन सिस्टम की बात करें तो वन प्लस 5 में एंड्रॉइड 7.1.1 नोगट दिया गया है। मैसेजिंग ऐप हाइक ने अपने यूजर्स के लिए वॉलेट का नया फीचर जोड़ा है। इस फीचर को जोड़ने के साथ ही हाइक ने अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर व्हाट्सएप को मात दे दी है। व्हाट्सएप भी अपने ऐप में वॉलेट फीचर ऐड करने के लिए काम कर रहा है। हाइक ने ये फीचर यस बैंक के साथ मिलकर लॉन्च किया है। ये फीचर हाइक के 5.0 वर्जन पर अवेलेबल है। टेक जायंट सैमसंग ने भारतीय बाजार में अपने लेटेस्ट S3 टैब लॉन्च किया है। भारत में इसके LTI वेरिएंट की कीमत 47,990 रुपए है। ये टैबलेट ब्लैक और सिल्वर कलर वेरिएंट में उपलब्ध है। इसमें 6000mAh की बैटरी लगी है, जिसकी मदद से आप टैबलेट को 12 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सैमसंग टैबलेट में 9.7 इंच सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, साथ ही इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 820 प्रोसेसर और 4GB रैम है।